पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए घोषित किए गए अपने उम्मीदवारों के बारे में शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि साफ छवि के उन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है जो हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। शिरोमणि अकाली दल बादल ने दावा किया है कि पार्टी की तरफ से जिताऊ और साफ छवि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। शिरोमणि अकाली दल ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 69 धुरंधरों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। पार्टी की नेताओं की माने तो साफ छवि के उन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जो हमेशा लोगों की मदद के लिए उनके बीच हरदम मौजूद रहते हैं। अकाली दल नेता विरसा सिंह वटोहा का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर दाव लगाया गया है। अकाली दल के मुताबिक पार्टी 2017 में पिछले चुनाव से भी ज्यादा सीटें जीतकर दिखाएगी। वहीं पंजाब कांग्रेस इससे पूरी तरह बेफिक्र है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल सिंह का कहना है कि अकाली दल जिस मर्जी को टिकट देती रहे उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रोमणी अकाली दल ने ਸਤਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2017 'ਚ 2012 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा में सबसे पीछे चल रही पंजाब कांग्रेस दिसंबर के पहले हफ्ते तक लिस्ट फाइनल करने की बात कह रही है। By first week, finalization हो जाएगी। First week of December. साल 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने उम्मीदवारों के ऐलान में काफी देर की थी। पंजाब के इस चुनावी मैदान में अपना पंजाब पार्टी की एक सूची और आम आदमी पार्टी की अभी तक 4 उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है, जबकि सभी को कांग्रेस पार्टी की सूची का भी इंतजार है। दिल्ली से पंकज पाही के साथ जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़।